24 तारीख के दिन नतीजे आए और नतीजे आने के बाद आज लगभग 18 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार बने, बहुमत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के। चौबीस तारीख के दिन नतीजे आए और नतीजे आने के बाद आज लगभग 18 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार बने, बहुमत भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के महायुति को था, लेकिन दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री के पद को लेकर रस्सा खींची के कारण वे दोनों पार्टी अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए असहमति दर्शाई। दूसरे बड़े दल के नाते शिवसेना को निमंत्रित किया गया, उन्हें 24 घंटे के भीतर सत्ता स्थापन करने के लिए सहमति पत्र की मांग की गई थी। आज सुबह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बैठकों का दौर कर रहे थे और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ अगाड़ी करके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गई थी, कोई पर्याय सरकार बनाने के लिए हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेंगे। ये हमारी भूमिका पहले दिन से है। कांग्रेस पार्टी की भी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के नेताओं को भी बुलाया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया। पवार साहब से बात भी हुई उनकी और उन्होंने ये कहा है कि आगे हम पवार साहब से बात करके कोई अंतिम निर्णय पर जाएंगे। उसके बीच जो नया घटनाक्रम है, शिवसेना राज्यपाल महोदय से मिली, उनसे समय मांगा कि हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, हमें समय बढ़ाकर दिया जाए, लेकिन राज्यपाल महामहिम ने स्पष्ट कर दिया कि हमने आपको 24 घंटे का समय दिया था जिसमें विधायकों की दस्तखत, उनके नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर होना चाहिए। निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर तीनों पार्टियों के बीच में जिस तरह से सहमति बननी चाहिए थी या विधायकों की दस्तखत जमा करने के लिए समय बहुत कम था, जो राज्यपाल महोदय ने समय दिया उसको उन्होंने मर्यादा खत्म हो गई, इस तरह कह के शिवसेना को जानकारी दी है। हमें भी बुलाया गया है, हमारा एक शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय के पास गया है। हमें जानकारी है कि वे हमें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बुलाए हैं। निश्चित रूप से आज हमारे नेता राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए हैं। जो पत्र राज्यपाल महोदय देंगे उसके अनुसार हम कांग्रेस पार्टी से पुनः चर्चा करके किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को हम आगे कोई स्थिर सरकार बने उसके लिए प्रयास करेंगे। आज पत्र मिल रहा है, कल कांग्रेस से, जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि पवार साहब से कांग्रेस पार्टी बात करेगी और कोई फैसले पे अंतिम वो पहुंचेंगे, आज हमें पत्र मिलेगा, हम अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस पार्टी से चर्चा करके कल तक अंतिम निर्णय लेंगे।